मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फादर्स इन बायोलॉजी। अगर मैं कहूं कि इसमें से आपको आईसीएमआर में चार क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। फर्स्ट पार्ट जो आपका आईसीएमआर का ए पार्ट होता है उसमें तीन क्वेश्चन, और जो बी पार्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन मिलता है आपको फादर्स में से या एक्सपेरिमेंटल या मैं कहूँ साइंटिस्ट में से। एक और बात है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे जो लोग हैं देखना नहीं चाहते होंगे या छोड़ देते हैं बीच में, मैं उनको एक बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके आईसीएमआर के लिए नहीं है। अगर आपने कभी जेएनयू का पेपर देखा है, पीएचडी का, एमएससी का, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देखा है तो कम से कम तीन या चार क्वेश्चन आपको हर बार मिलते हैं। और इस वीडियो का आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल या फादर्स सिर्फ इन बायोलॉजी में फायदा नहीं होने वाला है, इस वीडियो के आपको तीन फायदे होने वाले हैं। पहला कि आपको फादर्स पता लगेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कहां काम किया है, कौन किस कैटेगरी का यानी किस स्ट्रीम का फादर है। आप सब अलग अलग स्ट्रीम से, कोई बॉटनी से होगा, कोई इकोलॉजी को से, कोई इन्वायरमेंट से, कोई माइक्रोबायोलॉजी से, तो दूसरी फील्ड के बारे में नहीं जानता है, तो वहां पर आपको एक फादर के बारे में पता लगने वाला है कि उस स्ट्रीम का फादर कौन है। सेकंड, आपको पता लगेगा कि किस साइंटिस्ट ने किस फील्ड में काम किया है, ये इस वीडियो का दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है, जनरली अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे आईसीएमआर का, पिछले साल का 2019 का पेपर उठा के देखेंगे आप तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टडी जो आपके नेस्ट बनाते हैं, जो आपके बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको नीडोलॉजी कहा जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन की, इस टाइप की स्टडी को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर अगर फार्माकोलॉजी लिखता तो ड्रग्स का जो एक्शन की स्टडी होती है उसमें उसे उसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। तो आपको तीन फायदे होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ये वीडियो पूरी देखें। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड नहीं करा है ताकि आप बोर ना हो जाए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत होता है तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब आपको कॉमन क्वेश्चन आप गलत करते हैं और आपका एग्जाम रुकता है, स्पेशली आईसीएमआर जेएनयू डीयू के लिए मैं कहूंगा, तो दुख बहुत ज्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं फादर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले बॉटनी और इकोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ इकोलॉजी, दैट इज थियोफेरेटस। मैंने सिंप्लीफाई करने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूं और वो वर्ड आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। कुछ मैंने 30 से 32 जो आपके एग्जाम्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, नेशनल एग्जाम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के लिए मैंने स्टडी करी है, उसके बाद ये मैंने डेटा कुछ निकाला है और सिंप्लीफाइड करके, ताकि जहां कंफ्यूजन है वो ना हो। आपको वीडियो देखने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा कि कहां पर कंफ्यूजन है, कहां गलत है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपका फादर ऑफ बॉटनी और इकोलॉजी, दैट इज थियोफेरेटस। जो भी बॉटनी से या इकोलॉजी से उन्हें पता होगा, फादर ऑफ इकोलॉजी एंड बॉटनी इज द थियोफेरेटस। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जूलॉजी। अब जब आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए फादर ऑफ आपका जूलॉजी कौन है, एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही जगह पर लिखा है। बॉटनी और इकोलॉजी का थियोफेरेटस थे तो मैंने एक ही जगह पर मेंशन कर दिया, और फादर ऑफ बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी और जूलॉजी आपका एरिस्टोटले जो है आपके बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जूलॉजी की, एरिस्टोटले। जहां पर ट्रिक बनती होगी वहां मैंने ट्रिक का यूज किया है। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। जनरली आपने अगर थ्री इडियट देखी है तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा फादर ऑफ मेडिसिन, जो हिपोक्रेट्स ओस होती है, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स लेते हैं, तो मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूं, तो मेडिसिन में आपका हिपोक्रेट्स जो है, मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स, थ्री इडियट से आपको याद रहेगा। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहला जो सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम एक लेंस यूज करते हैं, वो इन्होंने बनाया था, माइक्रोस्कोपी, जो इसे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, माइक्रोस्कोप सबसे पहला जो था इन्होंने बनाया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो ये आपका फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी है। अब तो आपके सिलेबस में, सीएसआर के सिलेबस में माइक्रोस्कोपी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनका फादर कौन है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। अब माइक्रोस्कोप बन गया तो उसके बाद सेल की डिटर्मिनेशन, सेल को देखा होगा किसी ने पहले, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, जो सेल की स्टडी होती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक डिस्कवरी की थी जिन्होंने सेल की, रॉबर्ट हुक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी,
इम्यूनोलॉजी भी आपका है, सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, साइटोलॉजी है आपका सीएसआर में, दो दो यूनिट्स हैं, इम्यूनोलॉजी है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के पीछे आपके एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसके बाद आपको याद रहेगा। एडवर्ड जेनर जब साइंटिस्ट थे तो इनके पास एक जो बच्चा था कुछ 13-14 साल का, उसकी मदर आई कि उसके बेटे को स्मॉल पॉक्स है, तो इन्होंने काव से कुछ एंटीबॉडीज ली और जो लड़का था 13-14 साल का उसमें उसे इंसर्ट कर दिया, उसमें उसे आईवी के थ्रू दे दिया। तो क्या हुआ, एडवर्ड जेनर जो पहले थे, जिन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, वो एडवर्ड जेनर ही थे। इसलिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कहा जाता है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के पीछे एडवर्ड जेनर ही हैं, तो यहां से आपको याद रहेगा। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी आपका आपका एक यूनिट है सीएसआर में। इसमें एक ट्रिक है, इसके जो साइंटिस्ट हैं, जो फादर हैं, वो लाइबिग है, लेकिन मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है। लाइबिग, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है और बिग का मतलब बड़ा होता है। तो बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस देखेंगे आप सीएसआर में कुछ ज्यादा बड़ा है, तो लाइबिग, तो इसे आपको याद रहेगा, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज लाइबिग। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एंटीबायोटिक, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब बीमार होते हैं, तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। और पेनिसिलिन का सोर्स, पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आईसीएमआर में था, और पेनिसिलिन का जो सोर्स है, पेनिसिलिन नोटेटम, मेरी एक और वीडियो है उसमें प्रोडक्ट एंड सोर्स के नाम से है, उसमें दोनों इंक्लूड है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो है आपकी ड्रग, उसके बाद तो बहुत सारी पेनिसिलिन की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, तो पेनिसिलिन नोटेटम से ऑब्टेन हुआ था पेनिसिलिन, वो उसका सोर्स है। ये पिछली बार आपका दोनों क्वेश्चन आपके आईसीएमआर में थे। नेक्स्ट, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है आपके एन ग्रू। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए, हमें पता है प्लांट ग्रो ही करता है और ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू होती है, ग्रोन होता है, तो एन ग्रू प्लांट का एनाटॉमी के है वो एन ग्रू है जो फादर है। प्लांट फिजियोलॉजी के स्टीफन हेल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लांट एनाटॉमी के एन ग्रू और जो आपके प्लांट फिजियो के हैं वो आपके स्टीफन हेल्स है। प्लांट फिजियो आपके सीएसआर में है तो आप याद रख सकते हैं स्टीफन हेल्स। अगर आपने सीएसआर का सिलेबस भी लिखा है तो उसके ऊपर फैमिली जो फादर है उनको लिख देंगे, तो आप जब भी सिलेबस देखेंगे आपको वहां से भी आपकी प्रिपरेशन होगी दूसरे एग्जाम की। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो जेएनयू के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहां पर यह क्वेश्चन जेएनयू में था आपका, मुझे जहां से मैंने स्टडी किया मुझे जितने क्वेश्चन याद है मैं मेंशन कर रहा हूं। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एंड्रिच और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, दोनों पॉल हैं लेकिन पीछे फर्क है। कीमोथेरेपी, जो भी आप कीमोथेरेपी क्या होता है, जब आप ड्रग से किसी भी इंफेक्शन का, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कीमोथेरेपी हम उसे कहते हैं, जिसमें कोई सर्जरी प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। जनरली एक दिमाग में होता है कुछ लोगों के कि सिर्फ कैंसर के लिए ही कीमोथेरेपी होती है, ऐसा नहीं है। आप जब भी मेडिसिन लेके, ड्रग लेके अपने ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कीमोथेरेपी ही है। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी इज पॉल एक्लिर्च और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। ये आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पॉल एक्लिर्च और पॉल बर्ग, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में कंफ्यूजन रहता है। माइक्रोबायोलॉजी पूरा आपका एक जो पार्ट है एक सिलेबस में, एक अलग से एमएससी भी होती है माइक्रो में, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर है। इनका एक क्वेश्चन पिछली बार आईसीएमआर में था कि एंटीसेप्टिक जो है, जो स्टार्टिंग हुई थी कि एंटीसेप्टिक की, वो लुईस पाश्चर की वजह से हुई थी, तो सॉरी जो आपका स्टरलाइजेशन है वो लुईस पाश्चर की वजह से हुआ था, पाश्चर इफेक्ट पढ़ते हैं। जो आपका एंटीसेप्टिक है वो आपका जोसेफ लिस्टर ने स्टार्ट किया था, जोसेफ लिस्टर ने, ये आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जो आपके एंटीसेप्टिक है वो जोसेफ लिस्टर ने, और जो आपके पाश्चर इफेक्ट है, जो पाश्चराइजेशन आप टेक्निक पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन में स्टोरेज के लिए, बियर के फर्मेंटेशन के लिए, तो वो उसका जो पीछे बेस था वो लुईस पाश्चर का था। पाश्चर इफेक्ट भी आता है, पाश्चराइजेशन, जो आप मिल्क लेते हैं उस पे लिखा हुआ आ जाता है पाश्चराइज्ड मिल्क, तो वो लुईस पाश्चर की देन है,
दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको याद रखना है। और एंटीसेप्टिक का आपको जोसेफ लिस्टर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार था, जोसेफ लिस्टर दो, एंटीसेप्टिक का माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपके रॉबर्ट कोच है। अब रॉबर्ट कोच ने जितनी भी आपकी ऑलमोस्ट मेन बैक्टीरियल डिजीज है जिसपे आप पढ़ते हैं, जिसपे आपकी रिसर्च होती है, टीबी पे, ट्यूबरक्लोसिस पे, जो आपका बैक्टीरियोलॉजी है उन्होंने बहुत स्टडी करा था ट्यूबरक्लोसिस पे, उसका पॉजिटिव जो एजेंट था उसका नाम बताया था रॉबर्ट कोच ने। जो बैसिलस एंथ्रेक्स है उससे जो होता है वो भी रॉबर्ट कोच ने ही बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। दैट्स व्हाई इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी, माइको मतलब जो फंगाई से रिलेटेड है, उन्हें जो फंगाई की स्टडी होती है उसे, तो माइकोलॉजी के जो है वो मिकेली है, ये आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी है। फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टेनले, वायरोलॉजी मींस जो वायरस की स्टडी करते हैं, जैसे अब कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उस टाइम पर ये वायरोलॉजी वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फादर ऑफ वायरोलॉजी इज स्टेनले। अब स्टेनले को कैसे याद किया जाए, एक मूवी आई थी शायद स्टेनले का डिब्बा, मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे टाइटल याद था, तो आप यहां से याद रख सकते हैं, कुछ इसी तरह से याद रखा जाता है एग्जाम तक। अब आप पेज पे लिखे, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले, पेज पे लिखे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पेपर आपका होना है, क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है इन सब क्वेश्चंस का, 3-4-5 क्वेश्चंस का, या आपको मैं तो कहूंगा फ्री के नंबर है, कोई कंसेप्ट नहीं लगता है, कोई आपको इधर उधर नहीं सोचने की जरूरत है, आता है तो टिक करके, टाइम भी बचेगा आपका। नेक्स्ट, फादर ऑफ पैरासिटोलॉजी इज प्लेटर, तो पैरासिटा से आप प्लेटर को याद रख सकते हैं। जनरली हम जो एक मेडिसिन लेते हैं पैरासिटामोल, तो यहां से आप पैरा को आप प्लेटर से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है आपकी सेपरेशन की, सबसे पहले जो यूज किया था इसके पीछे एक कहानी है, माइकल स्वेट की कहानी है, इन्होंने सबसे पहले जो अलग किया था वो आपका क्लोरोफिल को अलग किया था, क्रोमेटोग्राफी की पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सबसे पहले जो इन्होंने अलग किया था वो क्लोरोफिल को किया था माइकल ट्वेसेट ने, तो ये आपके फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आप फादर क्रोमेटोग्राफी भी आपका सीएसआर की टेक्निक्स में है, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्रोमेटोग्राफी के अंदर है, और माइकल ट्वेसेट जो है आपके फादर है क्रोमेटोग्राफी के। टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर, ये तो आप ट्वेल्थ से पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स है उसमें टैक्सोनॉमी का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर कहा जाता है आपको कैरलस लिनस को, ये आपको आई थिंक पता होगा पहले। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, जो भी टिश्यू कल्चर बनाते हैं हम, बहुत सारे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इज हैरिसन। अब हैरिसन के जो लॉक आते हैं, अगर मैं थोड़ा और नीचे लेवल पे जाऊं तो हैरिसन के लॉक आते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, क्योंकि याद इसी तरह से रहता है, मैं भी एग्जाम देता हूं, दिए हैं, तो याद कुछ इसी तरह से रहता है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इज हैरिसन। कंडीशनड रिफ्लेक्स, पावलोव, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि घंटी बजा के डॉग्स को बुलाते थे तो डॉग्स आ जाते थे, लेकिन जब उनके डॉग्स के यानी जो ऑफस्प्रिंग्स हुए तब उन्हें इन्होंने घंटी बजा के बुलाने की कोशिश की तो वैसा कुछ नहीं हुआ, तो ये पावलोव भी थे जिन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव, इस बात को आपको याद रखना है। मेन एक्सपेरिमेंट इनका यही था, घंटी बजा के यानी जो एनिमल्स है उनको बुलाने वाला, लेकिन ये देखा कि ये इनहेरिटेड करेक्टर नहीं है, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है, दैट इज द कंडीशन रिफ्लेक्स बाय पावलोव, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, जनरली हम नाम लेते हैं बल्ब की डिस्कवरी में, तो ये भी बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, इसको आपको याद रखना है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी गैलन, यहां पर फादर ऑफ मेडिसिन था हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी गैलन है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और इसके साथ साथ फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, जो आप एनिमल फिजियोलॉजी सीएसआर में पढ़ते हैं
और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो विलियम हार्वे हैं, जनरली से डब्ल्यू हार्वे के नाम से आपको ऑप्शन में मिलता है, पूरा नाम विलियम हार्वे है। ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर है। अब हो सकता है आपको ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड ग्रुप में दिक्कत हो, अगर आपने कभी अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया है तो वो स्टेन करते हैं, स्टेन डालते हैं, तो इसलिए लैंडस्टेनर, स्टेनर से आप याद रख सकते हैं लैंडस्टेनर। स्पेलिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ई है तो आप ए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन में पहचान लेंगे वो लैंडस्टेनर ही है। नेक्स्ट इज द रेडिएशन बायोलॉजी, दैट इज मूलर। जो भी आपकी रेडिएशन बायोलॉजी पे काम हुआ है या मेडिकल फील्ड में जो यूज किया जाता है, दैट इज मूलर। अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो इवोल्यूशन में यूएन मूलर का एक्सपेरिमेंट है, मिलर है वो, तो आप मूलर कर सकते हैं इसको। ये एक यूनिट भी होती है रेडिएशन की, एक मूलर एक्सपेरिमेंट भी होता है रेडिएशन में जो किया जाता है, तो रेडिएशन बायोलॉजी इज मूलर। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने पढ़ा है, कुछ क्वेंचिंग का उसमें होता है रेडिएशन बायोलॉजी में, वो मूलर है। तो ये आपके कुछ फादर्स थे इन बायोलॉजी। आई होप सो कि आपको इंजॉय किया होगा आज आपने, अलग अलग कुछ स्टोरी पता लगी होंगी। तो ये सब एक यानी अच्छी नॉलेज के लिए भी एक वीडियो है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो फादर्स इंक्लूड होने वाले हैं वो जेनेटिक्स के होने वाले हैं, और जेनेटिक्स में यू जेनेटिक, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। तो अब यहाँ पर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने पहले इंक्लूड कर दिया था कंफ्यूजन के लिए, तो एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, और उसमें कुछ हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो सब इंडिया के जो फादर्स हैं उन्हें भी हम देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।